व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज के मैं आपको बताने वाला हूँ Vivo V30e 5G के बेस्ट फीचर्स के बारे में। दोस्तों, वन बाय वन फीचर की टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर किसी भी फीचर के बारे में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ताकि दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा फीचर है ना, वो है डायनामिक इफेक्ट। सेटिंग में आने के बाद ना, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दोस्तों मिल जाएगा डायनामिक इफेक्ट। अब स्मार्टफोन की जितनी भी एनिमेशन है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एनहेंस डायनामिक इफेक्ट, एम्बियट लाइट डायनामिक इफेक्ट में मैं आता हूँ। कस्टम टाइम आप देख सकते हैं, इसको आप सेट कर सकते हैं कि किस टाइम दोस्तों ये वर्क करे। स्टार्ट और एंड टाइम का ऑप्शन आ गया। अब आ गए हैं दोस्तों इनकमिंग कॉल के ऊपर। आप देखिए कि ये जो हमारे पास एनिमेशन है, अब से लाइट इफेक्ट हमारे पास एजेस के ऊपर आ रहा होगा। थोड़ा केयरफुली देखिए, आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से आप दोस्तों सेट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर फॉर इनकमिंग लाइट इफेक्ट। मीन कि आप इस तरह से एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बैक, यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन के लिए ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि जितनी भी ऐप्स हैं फॉर नोटिफिकेशन लाइट के लिए दोस्तों आ रहे हैं। आप किसी भी ऐप्स को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे, तमाम के तमाम जो ऐप्स हैं वो ऑन रहेंगे। अगर आपने वन बाय वन मैनुअल करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बारी है इसकी जो एनिमेशन है ना, उसको हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ना, तो कुछ इस तरह से जो लाइट है वो एजेस के ऊपर फ्लोट होती हुई आपको नजर आएगी। मीन्स कि ये भी काफ़ी अच्छा है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपका स्मार्टफोन साइलेंट पर भी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया है तो आप इसको देख पाएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों होम स्क्रीन इंटरिंग एनिमेशन के ऊपर। यहाँ पर देखिए, जब आप स्मार्टफोन में एंटर होते हैं, स्मार्टफोन को ऑन करते हैं, एक एनिमेशन हमारे पास आती है होम स्क्रीन के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन आपको मिल जाती हैं। आप इनमें से कोई भी अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा, ये सेट हो जाएगा। इसके बाद फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन। अब आप देखिए, पर्सनल मुझे ये फेवरेट है। आप बाकी आपको जो भी अच्छा लग रहा है इनमें से आप लगा सकते हैं। ये आइकन की एनिमेशन है, नॉट फिंगर सेंसर की एनिमेशन। फिंगर सेंसर की दोस्तों नीचे आपके पास मिल जाएगी। ये है फिंगर सेंसर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको एनिमेशंस मिल जाती हैं, जो आप दोस्तों अपने स्मार्टफोन में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैंने इसको सेट कर दिया। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये जो एनिमेशन है वो आपके स्मार्टफोन में सेट हो जाएगी। ये है फेस के लिए, आपको एनिमेशन चेंज करनी है फेस के लिए, कोई भी रखनी है, सिंपली अप्लाई पर क्लिक करिए, लग जाएगा। USB इंसर्ट एनिमेशन, जब आप OTG या फिर आप फ्लैश या फिर दोस्तों USB लगाकर PC के साथ दोस्तों डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक एनिमेशन आती है। तो ये एनिमेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम नीचे, स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन। जब हम पावर बटन को यूज़ करके डिस्प्ले को ऑन या ऑफ करते हैं, तो एक एनिमेशन आएगी कुछ इस तरह से। ये डिफरेंट टाइप की तीन एनिमेशन आपको मिल जाती हैं। आप इनमें से ट्राई कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है फॉर स्मार्टफोन अपने V30e के लिए सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो फीचर है दोस्तों, वो है स्मॉल विंडो। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैं गूगल क्रोम में आ चुका हूँ। आपको यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन नजर आएगा, लॉक ऐप इन्फो, स्प्लिट स्क्रीन और स्मॉल विंडो का ऑप्शन आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो गूगल क्रोम है वो डिस्प्ले के ऊपर फ्लोट विंडो में आ गया। मीन्स कि आप कह सकते हैं मिनी विंडो के अंदर वो आ चुका है। अब आप देखिए कि मैं बैकएंड से स्मार्टफोन को यूज़ भी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं गूगल क्रोम को भी यूज़ कर सकता हूँ, और इसको आप पकड़ कर ड्रैग कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे इसका जो आइकन है वो डिस्प्ले पर आ गया है। मीन्स कि ये फ्लोट हो रहा है। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा फौरन ओपन हो जाएगा। इस डबल एरो पर मैं क्लिक करूँगा तो फुल डिस्प्ले हो जाएगा हमारा जो ऐप्स है, जो हमारा गूगल क्रोम है। नेक्स्ट है दोस्तों हाइड एंड ऐप्स लॉक। अब प्राइवेसी के लिए दोस्तों ये फीचर दिया गया है, बट दोस्तों इसको मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी जो सारी कन्फ्यूजिंग है हाइड एंड ऐप्स को लेके वो दूर हो जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट दोस्तों मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा लॉक करना, अनलॉक करना, हाइड करना और अनहाइड करना। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी में चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी में आपने आ जाना है। तो यहाँ पर आप देखिए ऐप हेडिंग ऐप इंक्रिप्शन का आपके पास हो रहा है। फर्स्ट दोस्तों ऐप लॉक है, नीचे है ऐप हाइड का। अब मैं ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने दोस्तों पैटर्न पिन या पासवर्ड सेट कर देना है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए 00 टाइप कर रहा हूँ, आप कोई भी सेट कर सकते हैं।
इसी तरह से व्हाट वाज द नेम ऑफ योर प्राइमरी स्कूल, मींस के जो हमारे पास सेकेंडरी सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आ गए। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप पैटर्न पिन या पासवर्ड भूल जाते हैं तब दोस्तों ये आपको पास वर्क करते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं बट दोस्तों उसको याद जरूर रखिएगा, ताकि आप फर्स्ट पासवर्ड भूलते हैं तो सेकेंड पासवर्ड ये आपका काम आने वाला है। मैं यहाँ पर जक्की लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो, लेकिन जो भी लिखेगा उसको काइंडली याद जरूर रखिएगा, ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब तमाम के तमाम जो ऐप्स हैं वो आपके पास हो रहे हैं शो। मैं गूगल क्रोम को यहाँ पर दोस्तों अनेबल कर देता हूँ। अब आप देखिएगा कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मींस कि हमारा जो ऐप है वो लॉक हो चुका है। अब जब तक इस पर मैं पिन पुट नहीं करूँगा तो ये अनलॉक नहीं होगा, और फिंगर सेंसर भी दोस्तों आप यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं ऐप को हाइड करने की तरफ बढ़ते हैं। लॉक का मैंने आपको बता दिया, ऐप हिटिंग में आपने आ जाना है। अब दोस्तों इसलिए पिन हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है ऐप लॉक को सेट कर लिए। टर्न ऑन का दोस्तों ये ऑप्शन आ रहा है, अच्छी चीज़ है, आप इसको लगा सकते हैं कि अब आपके पास ऐप्स लॉक का आप अपने ऐप्स को फिंगर सेंसर से भी अनलॉक कर सकेंगे। सबसे पहले है व्यू हिडन ऐप्स। अब इसको समझ लीजिए कि स्वीप अप टू फिंगर ऑन द होम स्क्रीन टू व्यू हिडन ऐप्स। अब मैं किसी एक ऐप्स को आपके सामने करके दिखा देता हूँ हाइड, जैसा कि फेसबुक है, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि फेसबुक कहीं पर भी शो नहीं हो रहा, डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास फेसबुक शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको हाइड कर दिया। अब आपको टू फिंगर से स्वीप अप करना है तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर जिस जिस ऐप्स को हमने हाइड किया वो शो हो रहे हैं। यहाँ पर तमाम ऐप्स आ जाएंगे जिस जिस ऐप्स को आपने हाइड किया। अब इस पर टैप करूँगा, हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन होना स्टार्ट हो गई है। तो सिंपली इस तरह से आप अपने ऐप्स को, आप अपने दोस्तों जितने भी मींस के ऐप्स हैं उनको लॉक कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। अब बारी है इनको अनलॉक और अनहाइड करने की। मैं ऐप इनक्रिप्शन में आता हूँ, इसको मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा तो हमारा जो ऐप्स है वो अनलॉक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, अभी इनको दोस्तों इनका जो पासवर्ड है उसको भी हमने ख़त्म करना है। ऐप हिटिंग में मैं आ जाऊँगा, इस पर मैं टैप करता हूँ, जिस जिस ऐप्स को आपने किया है उसको आपने ऑफ कर देना है। अब जितने भी ऐप्स हैं वो अनलॉक भी हो गए हैं और अनहाइड भी हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों ऐप्स को हाइड कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों ईजी टच। इसके लिए आपको सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसमें आपने चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ईजी टच का, इस पर आपने टैप कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको ऑन कर लेना है, देन आप देखेंगे एक बाल हमारे पास आ गई है जिसको ईजी टच का नाम दिया गया। अब इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इस पर मैं टैप करता हूँ, देखिए मेन्यू ओपन हो गया, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं जब टैप करूँ तो हमें स्क्रीन शॉट मिल जाए, अब आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको एग्री करना होगा हमें, इस पर टैप करता हूँ, अब इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर सेट हो गई है। मैंने दोस्तों स्क्रीन शॉट के लिए करा था बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए सेट हो गया। तो इस तरह से आप इसकी जो कस्टमाइजेशन है उसको बदल सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन शॉट की बात कर लेते हैं, टैप यहाँ पर स्क्रीन शॉट, अब आप देखेंगे कि मैं इस पर टैप करता हूँ तो स्क्रीन शॉट मिल चुका है। इसी तरह से मेन्यू ओपन करना है वो आप सेट कर सकते हैं, ओपन मेन्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जो बाल है आपके डेस्कटॉप पर ही मौजूद रहेगी, आप जहाँ भी जाएं जैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सारे शॉर्टकट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, स्क्रीनशॉट, कैलकुलेटर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इजी टच, टॉर्च, यूट्यूब मैसेज, और भी दोस्तों आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ऐप्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है। अब आपके स्मार्टफोन पर जब भी कॉल आएगी तो आपके स्मार्टफोन में जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करेगी। वीवो V30 के अंदर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कैसे सेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर आपने ढूंढ लेना है, यहाँ पर आप देखते हैं मौजूद है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, इस पर आपने टैप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ से ऑन कर लीजिए, अब आप देखेंगे कि मेरे पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्टाइल आ गया है। ये तमाम टाइप्स के आपके पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए आइकन्स, एनिमेशन, डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक वो आपको मिल जाते हैं, वो आप सेट करते हैं अपनी मर्जी से, आपको जो अच्छा लगता है आपको दोस्तों आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये अच्छा लग रहा है,
आप इसको सेट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अप्लाई पे क्लिक करूँगा दोस्तों सेट हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वीवो V30 5G के अंदर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को जस्ट 10 सेकंड के लिए यूज़ करते हैं, नॉट फॉर 24 आवर्स आप इसको सेट नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन, अब किस किस चीज़ का नोटिफिकेशन फॉर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप देखना चाहते हैं? फेसबुक का मिल जाता है, जीमेल, मैसेज, फोन, स्नैपचैट यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब इनको मैं टिक मार करता हूँ तो ये सभी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई भी दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है, और मिनिमम दोस्तों आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सिर्फ 4 यहाँ पर ऐप्स को आप ऐड कर सकते हैं फॉर नोटिफिकेशन। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सेट कर सकते हैं कि दोस्तों, और ये जो है आपके पास जस्ट 10 सेकंड के लिए दोस्तों वर्क करेगा। एक बार आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, देखिए हमारे पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क कर रहा है। और लास्ट में दोस्तों हमारा जो फीचर है वो है स्क्रीन शॉट। आप वॉल्यूम, होम बटन और वॉल्यूम आपको सेम टाइम में प्रेस करते हैं तो दोस्तों आपके पास पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं हमारे पास स्क्रीन शॉट का ऑप्शन नहीं आता, इसके लिए आपको वॉल्यूम डाउन एंड होम बटन को सेम टाइम में प्रेस करना है, तो आप इसे स्क्रीन शॉट का ऑप्शन आ गया। आप इसको मजीद एडिट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखते हैं शेयर, डोडल, फ्रेमिंग, टेक्स्ट, मोसेक, इसका ऑप्शन आपको मिल जाता है, और स्टिकर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। फ्रेम में भी क्लिक करता हूँ, क्रॉप भी कर सकते हैं और इसको आप रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह से ओरिजिनल, 1x1, 4x3, 3x4, 16x9, ये सभी ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं। क्रॉप आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि इसके अलावा दोस्तों आप स्टिकर वगैरह यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं है, और इस तरह से आप खुद से स्टिकर क्रिएट कर सकेंगे। रेजोल्यूशन की सपोर्ट आपको मिलती है, यहाँ पर से मैक्सिमम यहाँ पर सेट है, आप इसको लो हाई सेट कर सकते हैं। 40, 60, 80, 100% का ऑप्शन मिलता है। सेव पे क्लिक करेंगे सिंपली आपका जो स्क्रीन शॉट है वो सेव हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि आपको लॉन्ग स्क्रीन शॉट कैसे कब से करना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये सेटिंग का एरिया है, मुझे इसका पूरा कवर अप स्क्रीन शॉट चाहिए। अब मैं दोस्तों करूँगा क्या, आपने दोस्तों स्क्रीन शॉट लेना है, इसकी स्क्रीन शॉट आप नोटिफिकेशन पैनल से भी ले सकते हैं। एस कैप्चर पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आप देखते हैं लॉन्ग स्क्रीन शॉट का ऑप्शन है। अब मैंने इस पर टैप कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारा स्मार्टफोन है पूरे इस एरिया का स्क्रीन शॉट क्लिक करके हमें दे देगा, और आप अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को, जिसको भी आप सेंड करेंगे, आप एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर ये तमाम एरिया को सेंड कर पाएंगे। आपको मल्टीपल स्क्रीनशॉट क्लिक नहीं करने पड़ेंगे। अब मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देखें कि ये हमारे पास सेव हो गया है। और जब आप इसको शेयर करेंगे तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्या इसको डॉक्यूमेंट में सेंड करना है ताकि इसकी जो पिक्सल्स की क्वालिटी है एज इट इज़ सेम वैसी की वैसी ही रहे, तभी दोस्तों आपके लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का दोस्तों फ़ायदा होगा। इस तरह से दोस्तों आपका जो स्क्रीनशॉट है वो लॉन्ग स्क्रीनशॉट है वो कैप्चर हो गया। अब ये था दोस्तों, मैंने आपको दो मेथड बता दिए, बटन से यहाँ पर आप देखते हैं नोटिफिकेशन बैनर से, और 3 फिंगर से भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं। ये मोस्ट ईजी और यूजफुल दोस्तों तरीका है स्क्रीनशॉट क्लिक करने का। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।